क्या बात है रुशना, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों, मैं खुश नहीं रह सकती और आप मुझे देखकर खुश नहीं है क्या? कोई वजह भी तो हो खुशी की। अरे मेरी प्यारी अम्मी, मेरी शादी हो रही है तो मैं बहुत खुश हूँ। और जाहिर सी बात है घर में सब खुश हैं, दादी, फूफो, बाबा, और आप भी तो खुशी होंगी ना। सच सच बताओ मुझे रुशना, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अम्मी आप तो ना हर वक्त बस मुझ पर शक करती रहती हैं। मैंने कुछ गलत किया हो तो आप शक करें ना, गलत समझे ना। अब मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही फिर भी आप अजीब तरह से बिहेव कर रही हो, आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? पर जो कुछ तुमने किया है ना और जो कुछ तुम अभी कर रही हो, ये सब मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। और इस शादी से तो तुम खुश हो नहीं सकती क्योंकि इसके तो तुम खिलाफ हो। आपको जो समझना है ना समझ लें। बात सुनो मेरी, तुम खुदा के वास्ते अब कुछ ऐसी गलती ना करना कि इस घर की जमीन भी तुम पर तंग हो जाए रोशना। चीप लड़की है, यानी क्या चल रहा है इसके दिमाग, क्या चाहती है? तुम खामोश क्यों हो? ना मैसेज का जवाब देती हो और ना कॉल रिसीव करती हो। प्लीज ये जुल्म ना करो मुझ पर। या अल्लाह, कौन है ये और मुझे क्यों कर रहा है इस तरह के मैसेजेस? मैं तो किसी को नहीं जानती। मैं जानता हूं तुम अपने शौहर से डरती हो, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में रिप्लाई तो कर सकती हूँ। अगर तुमने अब भी मेरे मैसेज का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं? अगर नौफिल ने पढ़ लिए ये मैसेजेस तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सारे मैसेज डिलीट कर दूंगी। लेकिन मेरे डिलीट करने से क्या होगा, वो तो फिर कर लेगा कॉल। ये नंबर कोई और है और पहले जिससे कॉल आई थी वो कोई और नंबर है। मैं नौफिल को बता दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, उससे पहले ही सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नौफिल को ये मैसेजेस दिखाने चाहिए या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैसेजेस नहीं दिखाती, वो कहीं बदगुमान ना हो जाए मुझसे, बस वैसे ही बता दूंगी। या अल्लाह मेरी मदद करना। हेलो जिब्रान, कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या रोशना तुम्हें मिली? क्या बात हुई उसे? उसने गुस्सा किया और तुम डर गए। खतरनाक है तभी तो मजा आएगा कि जब वो इस घर में आएगी और वरीशा को मुंह तोड़ जवाब देगी। हाँ तो वो तो मुझ पर छोड़ दो कि उसको कैसे लाना है यहाँ पे।